अस्सलाम वालेकुम। आज हम NTS MDCAT 2017 का जो पास पेपर है उसका इंग्लिश पोर्शन हल करेंगे, जिसमें टोटल MCQs 10 है। तो चलिए हम एक एक MCQ को वजाहत के हिसाब से हल करेंगे। रीड द पैसेज टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हमें ये पैसेज पढ़ना होगा। इस पैसेज के पढ़ने के बाद हमें दो सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। Due to the extremely hot weather, the electric company is planned to turn off power in certain districts during the day. This will reduce the total demand for electricity and prevent a city-wide shutdown of electrical services. Power will not be out longer than 2 hours in your area. For further information, please visit our website at www.electricity.com. All areas affected by the shutdown are listed there, as well as the time that the power will be turned off in each area. तो पहला सवाल है, why is power being turned off? तो इसका जवाब हमने पहले ऊपर पढ़ा कि to reduce total demand, इधर लिखा हुआ है ना, this will reduce the total demand for electricity. तो A इसका right answer होगा, A इसका right answer होगा। दूसरा सवाल है, हाउ लॉन्ग विल पावर बी नो लॉन्गर, कि बिजली कितने वक्त तक जाएगी। लॉन्गर देन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स, फॉर 1 डे, अंटिल द वेदर चेंजेस। तो इसमें होगा बी, लेस देन 2 आवर्स, क्योंकि ऊपर पढ़ा हमने कि नॉट बी आउट लॉन्गर देन 2 आवर्स, इसका मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं जाएगी। इसका मतलब 2 घंटे या फिर 2 घंटे से कम, लॉन्गर देन 2 आवर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा जाएगी, लेकिन इधर होगा 2 घंटे से कम जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्स टू चॉइसेस ए टू डी बिलो ईच। एमसीक्यू नंबर 3 है, देयर डैश मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो एक तो इधर इंक फॉर्म लगा हुआ है, तो इसमें जो सुइटेबल 4 ऑप्शन में तो जो सुइटेबल ऑप्शन होगा वो हम इधर लगाएंगे। There has many students नहीं होगा, क्योंकि many students plural has नहीं होगा। There have many students, but have है तो have के साथ कभी inform नहीं लगता। There was many students, no ये भी नहीं होगा। There are many students, क्योंकि was क्यों नहीं होगा, क्योंकि many students से were होना चाहिए था, लेकिन were नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा are, there are many students waiting to hear the results of the test। इसका मतलब D is the right answer. Some people dash claim to be vegetarian actually allowed themselves to eat fish and chicken. Some people which claim nahi hoga. Some people whom claim ye bhi nahi hoga. Some people who claim to be vegetarian actually allow themselves to eat fish and chicken. सेंटेंसेस आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपने अच्छी तरह से किताब पढ़ी हो, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ा हो, तो आप वो सेंटेंस समझ जाएंगे और रिसर्च आप जो उसको हल करेंगे। तो इसमें सी जो होगा हु वो राइट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज और द सेंटेंस टू बी करेक्टेड। हमें इधर 2 सेंटेंस दिए गए हुए, एक MCQ नंबर 5 और एक MCQ नंबर 6। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर इसमें कोई खामी है या मिस्टेक है तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर नहीं है तो नो एरर वाला लास्ट में ऑप्शन लगा है उसको भी चूज करेंगे। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द डे देयर इज ऑफन 2 गार्ड्स एट द एंट्रेंस। इसमें एक मिस्टेक है, वो है बी वाली। वो क्यों, देयर इज ऑफन 2 गार्ड्स, इधर 2 गार्ड्स लिखा हुआ है और 2 गार्ड्स के साथ आर लग रहा चाहिए था कि देयर आर ऑफन 2 गार्ड्स, बट इधर देयर इज ए, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत है। तो जो बी होगा वो उसका आंसर होगा, क्योंकि बी जो है वो करेक्ट करना चाहिए हमें। दूसरा है, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस द ट्विन्स वर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। इसमें तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, तो इसलिए हम ई टिक करेंगे, ई जो कि नो एरर है। फिर आते दूसरे MCQ नंबर 7 पर, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। इधर जो वर्ड दिया हुआ है इसकी मीनिंग के हिसाब से इन 5 ऑप्शन में से कोई एक लफ्ज ऐसा है जिसकी मीनिंग इससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो देखते हैं, प्रोवोक की जो
असली मना है वो है किसी चीज का होना, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना। डिफेस का मतलब है बदनाम करना, लाइवनाइज का मतलब है किसी चीज को ज्यादा अहमियत देना, रिमूव का मतलब है मिटाना, पनिश का मतलब है सजा देना, और एग्रीवेट का मतलब है जुर्म करना। तो किसी चीज को बढ़ावा देना या फिर जुर्म करना तो मेरे ख्याल से सेम ही होगा, सिमिलर होगा, तो हम कहेंगे ई इज राइट आंसर, क्योंकि एग्रीवेट और प्रोवोक की मीनिंग तकरीबन सिमिलर होती है। तो अभी हम एमसीक्यू नंबर 8 हल करेंगे। थ्रेटनिंग की जो माना है वो है धमकी देना, फ्लाइटी की माना है गैर जिम्मेवार इरेस्पॉन्सिबल, एग्रेसिव की माना है हमला करने के लिए तैयार होना, चेस की मतलब माना है पाकीज़ा, हेलोड की माना है पाक, और ग्लोबल की माना है सारी दुनिया। तो अगर हम देखें कि थ्रेटनिंग की माना क्या थी, धमकी देना, और एग्रेसिव की माना है हमले के लिए तैयार होना, तो ये दोनों अल्फाज इनकी माना सिमिलर है, तो हम कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर। फिर हम एमसीक्यू नंबर 9 हल करेंगे। चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अभी हमें एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड की जो मीनिंग है इसी तरह एक अपोजिट वर्ड जो होगा इन पांचों ऑप्शन में से वो हमें चूज करना होगा। मैंडेटरी की जो माना है वो है लाजमी, कंपल्सरी, और डिस्पैशनेट की माना है अनइमोशनल, ऑब्लिगेटरी की माना है कंपल्सरी, वॉलेंटरी की माना है मर्जी, योर चॉइस, कंफर्म्ड की माना है वो भी कंपल्सरी है, अनहैप्पी की माना है कि नाखुश या खुश नहीं है। तो हम देखेंगे वॉलेंटरी और मैंडेटरी ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, क्योंकि मैंडेटरी की माना है कंपल्सरी और वॉलेंटरी की माना है ऑप्शनल, जो आपकी मर्जी। तो हम कहेंगे सी इज द राइट आंसर। तो अभी हम लास्ट एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू नंबर 10। अभी ऑनेस्टी का अपोजिट कौन सा है, ये हमने सब हर बार पढ़ा है कि ऑनेस्टी का अपोजिट है डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अपोजिट है डिसऑनेस्टी, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।